आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पूर्वी राजस्थान में अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, ये डाटा पेश करते हैं और समय समय पर जो वारदात बढ़ रही हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होता रहता है। यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा डाटा वाइज एक जानकारी देना चाहेंगे। मैं पूर्वी राजस्थान के द्वार कहे जाने वाले भरतपुर में हूँ। इस भरतपुर ज़िले की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती हैं। जाहिर सी बात है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा लगने के बाद अपराध का ग्राफ ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और ख़ासकर जो अवैध हथियार हैं उनकी तस्करी, उनका लेन देन ज़्यादा जाहिर होता है। हालांकि भरतपुर ज़िले में अवैध हथियारों की फैक्ट्री बनाने की फैक्ट्रियाँ संचालित हैं और पुलिस का दावा है कि समय समय पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करती है आर्म एक्ट के तहत, लेकिन कार्रवाई कितनी कारगर होती है ये भी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। पहले मैं डाटा बता देता हूं, उसके बाद एक उदाहरण देता हूं। डाटा भरतपुर राजस्थान पुलिस से जो हमने लिए हैं, 3 वर्ष के डाटा हैं, 19, 20 और 21 में आर्म एक्ट के तहत कितने मामले दर्ज हुए, कितनी गिरफ्तारियां हुई, वो थोड़ा सा मैं डाटा वाइज बताना चाहूँगा। बात करें 2019 की, 176 प्रकरण दर्ज हुए आर्म एक्ट के, 207 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें आठ बंदूकें थीं, 110 पिस्टल यानी कि अवैध हथियार थे, 213 कारतूस थे और 56 धारदार हथियार जब्त किए गए थे। इसी तरह से बात करें वर्ष 2020 की, 168 मामले दर्ज हुए, 170 गिरफ्तार हुए थे, 18 बंदूकें थीं, 153 अवैध हथियार यानी कट्टा पौना पिस्टल थे, 203 कारतूस जब्त हुए थे और 26 धारदार हथियार थे। इसी तरह से वर्ष 2021 की अगर बात करें, 193 प्रकरण दर्ज हुए, 226 लोग गिरफ्तार हुए और जिनमें 5 बंदूकें थीं, 159 पिस्टल थीं, 332 कारतूस थे और 32 धारदार हथियार पुलिस ने रिकवर किए थे। अब थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि मेवात क्षेत्र में सीकरी थाना है एक, और सीकरी थाना इलाके में गांव है पचलेड़ी। पचलेड़ी में जो बदमाश हैं वो अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हैं, अवैध हथियार वहाँ से बनते हैं और हरियाणा उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के अन्य इलाकों में अवैध हथियार तस्करी होती हैं, उनको पहुंचाया जाता है। ये जो अवैध हथियार बनाने की गैंग है इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी बदमाश शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन सीकरी पुलिस को ऐसा नहीं हो सकता कि ना पता हो कि इस पचलेड़ी गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है और ग्रामीण विगत दिन जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह से भी मिले थे और उन्होंने गुहार लगाई थी, एक आवेदन भी दिया था ज्ञापन, जिसमें उनकी मांग थी कि गांव में कुछ बदमाश अवैध हथियार बनाते हैं, तो अवैध हथियार बनाने का जो सिलसिला है वहां के जो बदमाश हैं उनके चलते ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और सदमे में हैं और भयभीत भी हैं। वो जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह से गुहार लगा चुके हैं कि इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिस तरह से अवैध हथियार बना रहे हैं और फायरिंग करते हैं, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने उनको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जब मीडिया ने राजस्थान तक ने उनसे, श्याम सिंह जिला पुलिस अधीक्षक से पूछा कि इस तरह के ज्ञापन दिया है, इस तरह के लोग ग्रामीण हैं वो भयभीत हैं, अवैध हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तस्करी की जाती है, तो जिला पुलिस अधीक्षक का कहना था कि 3 दिन बाद इसकी कार्रवाई करवाएंगे, 3 दिन के अंदर, और स्थानीय पुलिस से ना कराकर किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से कराएंगे। यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक को कहीं ना कहीं अपनी पुलिस पर ही विश्वास नहीं है और 3 दिन का समय जिला पुलिस अधीक्षक ले रहे हैं इस अवैध हथियार की फैक्ट्री के खिलाफ, इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने में, जबकि थाना भी वहीं है, पूरी पुलिस भी यहीं है, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक इन बदमाशों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये एक सवाल कटघरे में शामिल होता है। इसके अलावा जो लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने जो नाम दिए हैं जिला पुलिस अधीक्षक को, उनका कहना है कि शौकीन नाम का एक व्यक्ति है, बदमाश है, जो गैंग संचालित करता है, अवैध हथियार बनाई फैक्ट्री संचालित करता है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बदमाश भी शामिल हैं। शौकीन के अलावा अशफाक और अनफास भी शामिल हैं और एक अजरू नामक बदमाश जो हरियाणा का है वो इस गैंग में शामिल है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं
कि जिस तरह से भरतपुर जिले के मेवात इलाके में अवैध हथियारों को बनाने की फैक्ट्री, उनको तस्करी करने की फैक्ट्री और इसका जाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैला हुआ है, इसकी वजह से जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ रहा है और आम जन जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब सवाल यही उठता है कि जिला पुलिस अधीक्षक इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितनी देर बाद करेंगे और क्या उनको अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है, और आखिर सीकरी थाना होने के बावजूद भी वहाँ थाने के इंचार्ज को पड़ोसी गांव में क्या अवैध गतिविधियां हो रही हैं उसकी भनक तो नहीं है, जबकि ग्रामीण शिकायत भी कर चुके हैं, जिला पुलिस अधीक्षक के अलावा स्थानीय स्तर पर भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं उनकी गुहार की सुनवाई जिला पुलिस अधीक्षक कितनी करते हैं, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने में कितनी देर लगाते हैं, वो एक सवाल खड़ा उठता है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।